दिल के मरीजों के लिए हरी भरी सब्जियां कितनी जरूरी हैं ये बात तो हमें पता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही हरी भरी सब्जियां बोरिंग तरीके से रोज बनाएं और चटपटे स्वाद से अलग रहें। तो लीजिए, मैंने आपके दिल की सुन ली है और मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ सोया और पालक की टिक्की एक चटपटे स्टाइल से। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले लेते हैं हम एक प्याज के? और मैंने आधा प्याज दिया है, हम इसको बारीक बारीक काटेंगे जी। एक प्लेट दीजिए दीपिका मुझे। जी, ये लीजिए। साहिल, जो बाजार की टिक्की होती है और इतनी ज्यादा वो फैट से लोडेड होती है। हाँ जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे साहिल, जो बाजार में तेल होता है वो एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, जो रीयूज करते हैं वो ऑयल को, वो ऑयल काला पड़ जाता है। बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आ जाते हैं। हाँ जी। जैसे आपने बार बार एक ही तेल का इतनी बार इस्तेमाल किया। हाँ जी। उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन आ जाते हैं और स्पेशली दिल की बीमारियों के लिए तो ये बहुत ही गंदा है, आपकी आर्टरीज को क्लॉक करता है। और हम बना रहे हैं उन्हीं सब चीजों को एक हेल्दी अंदाज में आप ही के घर में। और सबसे एक और जो हमने इसमें इम्पोर्टेंट चेंज किया है, हमने आलू को रिप्लेस किया है सोया से। हाँ जी, इसको हमने छोटा काटा है और मिक्सी में हम इसको पीसेंगे ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए। राइट। अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा पालक जी, और इसको भी हम काट लेंगे। आप जब भी हरी सब्जियों काटते हैं तो ध्यान रहे कि आप उसको बार बार ना काटें। ओके। एक बार काटने के बाद आप अगर उसको फिर से काटेंगे तो काली पड़ जाएंगी। अच्छा, तो जितना कम हो काटें। हाँ जी। और मुझे पालक को बारीक बारीक काटना है तो मैं पहले से ही इसको इस तरह से काट रहा हूँ कि एक बार ही काटने में ये कट जाए। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात हो रही है दिल की, हेल्दी हार्ट की। बिल्कुल। तो इसलिए हम बताएंगे कि अगर आप सोया खाते हैं, हाँ जी, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर खाइए, किसी भी रूप में खा सकते हैं। हाँ, जैसे हमने काफी रेसिपीज बनाई हैं और काफी कुछ सिखाया है, तो किसी भी फॉर्म में आप सोया को अपनी डाइट में आप इंक्लूड करते हैं। हाँ जी। तो उससे आपको काफी फायदा होता है, आपको काफी प्रोटीन मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। बिल्कुल दीपिका। तो लीजिए, इसी के साथ पालक भी कट गई जी और प्याज भी। चलिए शुरू करते हैं जी। आपने देखा कि मैंने तकरीबन 50 से 100 ग्राम सोया इसमें डाला है जो हमने भिगो करके रखा था 2-3 घंटे, और इसका मैंने पानी पूरी तरह से निचोड़ा नहीं है। और इसमें मैं डाल रहा हूँ अब अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट। तो आपने अदरक में ही हरी मिर्च को पीस के रखा है? हाँ जी जी। और मेरे पास है लहसुन का अलग से पेस्ट, वो भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। एक चम्मच मैंने वो डाला था और एक चम्मच मैंने लहसुन डाला है जी। और इसको पीसते हैं। देखिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पिस गया है। नंबलिंग्स और एक बोल लेते हैं, और जो हमने सोया पीसा है जी, ये तकरीबन अगर आप ड्राई वेट सोया की बात करें बिना पानी के तो ये होगा 50 ग्राम, और पानी पीने के बाद ये 100 ग्राम सोया होगा जी। तो सही लगभग 15-20 जो नगेट्स हैं। हाँ जी, वो हम डाल सकते हैं, काफी हैं उतनी 15-20 नगेट्स। और मैंने यहाँ पर रखा हुआ था प्याज काट करके बारीक, आधा प्याज वो डाल देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम पालक डाल देते हैं जो हमने बारीक काटी हुई थी, और पालक होगी तकरीबन 50 ग्राम जी। और मैं डाल रहा हूँ इसमें 4 चम्मच जी छोटे बेसन के जी। तो और मेरे पास है चना पाउडर, रोस्टेड चना पाउडर, ये भी मैं 4 चम्मच डाल रहा हूँ जी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है साहिल। जैसे मैं बात करती हूँ होल ग्रेन की, कि जो भी आप दालें लेते हैं, अनाज लेते हैं, छिलके के साथ लीजिए। हाँ जी। तो क्योंकि ये चने का आटा है, इसमें जो काले चने का छिलका भी है। बिल्कुल। तो थोड़ा नमक डालें जी इसमें, जरा 1 चम्मच डाल दें नमक। 1 चम्मच, ठीक है साहिल? हाँ जी, डालें। और हम इसमें मिर्च नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपने पहले इसमें हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी थी। बिल्कुल, अदरक और पेस्ट डाली हुई है जी। बिल्कुल। गैस ऑन करते हैं तब तक। जी साहिल, ये जो टिक्की बन रही है। हाँ जी। तो हम अक्सर, हमारा दिल कहता है कि कुछ चटपटा खाएं। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने दिल की बात भी सुनी, लेकिन हमारा दिल ये भी कहता है कि मुझे स्वस्थ रखिए। हाँ जी। तो उस तरह से हमने दोनों बातें मान ली कि चटपटा खा रहे हैं लेकिन ये हेल्दी भी है। एकदम सही कहा आपने जी। लेकिन साहिल, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि अच्छा है, हेल्दी है, तो हम जितना मर्जी खाएं, ये एक बहुत ही गलत सोच है। हाँ जी। खाना जो होता है सही प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि कोई चीज़ है हेल्दी है उसको भी आपने बहुत ज़्यादा खाया तो भी वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, आप उस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे। हाँ जी।
और मैं तो कहूँगा छोटे छोटे मील्स लें, ज़्यादा टाइम लें। आप जैसे दिन में 3 मील लेते हैं, आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, उसके बाद आप लंच करते हैं, आप अपना डिनर लेते हैं, लेकिन अपने ब्रेकफास्ट लंच और लंच डिनर के बीच में आप फल खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। हाँ जी। और शाम को जैसे अक्सर लोग स्नैकिंग करते हैं, जहाँ पर वो तला हुआ भुना हुआ चटपटा खाते हैं, वहाँ पर वो ये ना खाएं और हमारी टिक्की खाएं। तो देखिए ये जो टिक्की है, आप इसको अच्छी तरह से, मैंने पहले दबाया करके जी इसको गोल किया है ताकि टूटे ना, अगर आप इसको दबाएंगे नहीं तो ये टूट सकता है। जी देखिए, और मैंने इसमें सिर्फ डाला है 1 चम्मच तेल और नॉनस्टिक पैन पे मैं बना रहा हूँ। और अगर आप धीमी आंच पे बनाएंगे इसको तो ये करारा रहेगा। बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं। जी तो निकालें प्लेट। जी ये तैयार है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि अपने दिल को स्वस्थ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। हेल्दी खाना खाएं, खाना सही प्रोपोर्शन में खाएं, यानी कि ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी पानी पिएं, क्योंकि पानी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, लेकिन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्यों साहिल? बिल्कुल। तो लीजिए, तैयार है हरा भरा सोया टिक्की। सोया और पालक की टिक्की बनाने के लिए एक ब्लेंडर में सोया नगेट्स, अदरक मिर्च का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर घुमाएं, मिक्सचर बना लें। एक बॉल में सोया मिक्सचर, प्याज, पालक, बेसन, चना दाल पाउडर और नमक का मिक्सचर बनाएं। एक पैन में तेल गरम करें, बने हुए मिक्सचर की टिक्की बनाएं, दोनों तरफ से भूरा होने तक सेकें। सोया और पालक की टिक्की तैयार है।